For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. सलमान ने हाल ही में रेस 3 की शूटिंग का कर दिया है आगाज। कुछ हफ्ते पहले दिस फिल्म वेंट ऑन फ्लोर्स और सलमान ने हाल ही में अनवील किया था इस फिल्म से अपना डैशिंग लुक। और अब बॉलीवुड स्पाई लेकर आया है आपके लिए रेस 3 के सेट से लेटेस्ट पिक्चर्स। वेल, हाल ही में शूटिंग के दौरान रेस 3 के सेट्स पर एक सरप्राइज विजिटर पधारे जो कि रेस 3 के टीम से मिलकर काफी एक्साइटेड थे, और वो कोई और नहीं बल्कि रणवीर सिंह थे। जी हाँ, सही सुना आपने। रेस 3 के प्रोड्यूसर रमेश तरानी ने ट्विटर के जरिए एक पिक्चर की है शेयर, जिसमें वो पोस्ट कर रहे हैं सलमान, रणवीर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा के साथ। वेल, सब काफी कैजुअल लुक में ही दिखाई दिए, पर इन सब के स्माइलिंग चेहरों ने हमें हैप्पी जरूर कर दिया। वेल, अब बात करते हैं फिल्म की, तो फिलहाल इसकी शूटिंग मुंबई में स्टार्ट कर दी गई है और रेस 3 अगले साल ईद पर बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे जाएगी। तो दोस्तों, इस बारे में आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें अपने थॉट्स नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताइए। बॉलीवुड के सुल्तान और मस्तानी को बड़े पर्दे पर एक साथ देखने के लिए तो हर कोई बेताब है। पिछले कई महीनों से इन दोनों की एक ही फिल्म में आने की बात तो होती है, लेकिन बाद में इन्हें अफवाहों का नाम देकर छोड़ दिया जाता है। पर अब लगता है करोड़ों दिलों की ये ख्वाहिश जल्द ही पूरी होने वाली है। जी हाँ, हालिया रिपोर्ट्स की माने तो दीपिका पादुकोण सलमान खान के ऑपोजिट किक 2 में दिखाई दे सकती हैं। सूत्रों का तो ये भी दावा है कि दीपिका ने जैकलीन को इस फिल्म से रिप्लेस करते हुए अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि इस बात पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बात तो तय है कि किक 2 सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने में कामयाब होगी, है ना दोस्तों? तो इस बारे में आप अपनी राय और सुझाव हमें जरूर बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई अजूही के साथ बने रहें।